यूपीएससी आप इसलिए मत कीजिए कि आपको इसमें बहुत भौकाल मिल जाएगा। इसने क्वालिफाई किया है वो भी कोई बहुत इंटेलिजेंट आदमी नहीं, हमने सेकंड दो अटेम्प्ट नहीं क्वालिफाई किया, सो वाज एन इडियट इन दोस टू अटेम्प्ट, इस अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर लिया, तो एम आई ए जीनियस इन दिस अटेम्प्ट। तो आप ये बोले कि नहीं आप मतलब धरती हिला देंगे, आप अपने शीशे के सामने देखिए बोलिए कि नहीं तुम कर सकते हो, तुम कर लोगे, ये सब फिल्मी बातें होती हैं। कॉल आया, उन्होंने बोला कि हेलो आमिर रिजल्ट आ गया तुम्हारी रैंक, और नेटवर्क चला गया तभी, तो फोन स्विच ऑफ करके ऑन किया, नेटवर्क आया, आई कॉल्ड हिम बैक एंड ही टोल्ड मी कि तुम्हारी रैंक 154 आई है। हमें लगता है कि जो 16 घंटे 18 घंटे बोलते हैं वो एक मिथ होता है, तो ऐसा नहीं होता, आप कंसिस्टेंटली आपको पढ़ाई करनी है तो आपका एक रेंज होती है। फॉर मी इट वॉज किसी किसी दिन 4 घंटे ही पढ़ पाते थे, किसी किसी दिन 8-10 घंटे 12 घंटे पढ़ लेते थे। जरूरी आपके पास पढ़ाई की स्ट्रेटजी होना है, उतना ही जरूरी ये भी है कि आपके पास ब्रेक लेने की स्ट्रेटजी हो। इफ आई स्टार्टेड स्क्रॉलिंग थ्रू इंस्टाग्राम तो फिर 2-2 घंटे उसी में जा रहे हैं, व्हाट्सएप यूज किया तो किसी से बात करने लगे तो उसमें फिर घंटों जा रहे हैं। मूवीज हर हफ्ते 1 या 2 मूवीज देखनी है, दैट वॉज माई टॉनिक। जब भी मेन्स या कोई भी एग्जाम करीब आता था तो आई वुड स्विच माई फोन ऑफ कम्प्लीटली, उसके बाद छोटा सा डिब्बा वाला फोन यूज करते थे। हमारे इंटरव्यू में तो सीरियस डिस्कशन ही हुआ था, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जिनके बारे में आई नेवर हर्ड। उन्होंने पूछा कि लिक्विड मॉडर्निटी क्या होती है, एंड आई नेवर हर्ड दिस टर्म, कोई फिलोसॉफिकल टर्म है। बाद में आके देखा जो टॉपिक थे वो प्रिडिक्टेबल थे, लेकिन जो क्वेश्चन थे वो बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल थे। इनफैक्ट बहुत सिंपल क्वेश्चन, लेकिन वो कभी दिमाग नहीं आया कि ये भी पूछ सकते हैं। यूपीएससी आप इसलिए मत कीजिए कि आपको इसमें बहुत भौकाल मिल जाएगा। वी हैव टू ऑलवेज रिमेम्बर कि ये सिविल सर्वेंट होता है, सिविल मास्टर नहीं होता। यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है कि बहुत ज्यादा अनसर्टेन होता है, एक प्लान बी जरूर होना चाहिए। कोई आपसे ये बोले कि नहीं आप मतलब धरती हिला देंगे, आप अपने शीशे के सामने देखिए बोलिए कि नहीं तुम कर सकते हो, तुम कर लोगे, ये सब फिल्मी बातें होती हैं। जिस एग्जाम में इतना ज्यादा लक का एलिमेंट होता है तो वो एग्जाम आप अपने स्किल्स टैलेंट्स प्रैक्टिस के दम पे क्वालिफाई नहीं कर सकते। 100% देने के बाद भी यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि हाँ किस्मत का खेल है तो फिर आप पास से फेंकने लगे, नहीं, आपको अपनी 100% मेहनत करनी है, उसके बाद होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो फिर देर इज सो मच मोर इन लाइफ। आप बहुत एक्सपेक्टेशन यही कर लेगी, नहीं मेरी सारी खुशियां जो लाइफ यूपीएससी क्वालिफाई करने के बाद मिलती है उसी पे मबनी है, उसी पे बेस्ड है, तो फिर आप बहुत उदास रहेंगे हमेशा। और आपको ये देखना है कि जिसने क्वालिफाई किया है वो भी कोई बहुत इंटेलिजेंट आदमी नहीं है, क्योंकि हमने सेकंड दो अटेम्प्ट नहीं क्वालिफाई किया, सो वाज आई एन इडियट इन दोस टू अटेम्प्ट, इस अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर लिया तो एम आई ए जीनियस इन दिस अटेम्प्ट, रैंक 154 आई है। बहुत सारे जो पीछे हैं क्या वो सब बेवकूफ है हमसे ज्यादा, बहुत सारे जो ऊपर है क्या हमसे सब हमसे ज्यादा होशियार हैं। बहुत सब्जेक्टिव एग्जाम है ना, इट डज नॉट रिफ्लेक्ट ऑन योर पर्सनैलिटी और योर इंटेलिजेंस इन एनी वे।